क्या हुआ? पापा, हाई स्पीड अलायंस कंपनी का नेट आ गया है, आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाए, तो आज ही संपर्क करें अलायंस कंपनी सिवान। आज सिवान में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय निराला नगर में लोकसभा रथ को सांसद ओम प्रकाश यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जी हां, आपको बताते चले, 5 वर्षों में सरकार की उपलब्धियां जो जन जन तक पहुंचे उसी के संबंध में रथ को रवाना किया गया, जहां भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष रामाकांत पाठक, नगर उप सभापति बबलू साहब, धनंजय सिंह, अभिमन्यु सिंह व तमाम भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। सिवान से अमन राज की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक नारा जनमतन भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास और इस देश के विकास में आम आदमी की सहभागिता पूर्ण रूपेण से समायोजन हो, इसके लिए प्रत्येक लोकसभा में एक रथ की व्यवस्था किया है। वरथ इस सरकार की उपलब्धियों को तो आम जनता तक बताए गए हैं, साथ ही साथ इस देश में क्या होना चाहिए, इस देश के नीति का निर्धारण किस तरह से होना चाहिए, चुनाव के घोषणा पत्र में उन चीज़ों को आम आदमी के सामूहिक अभिव्यक्ति के समायोजित करने के लिए भी एक पेटिका रखी गई है। उस पेटिका में आम आदमी अपनी भावना को लिखकर अपना सुझाव इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के सरकार को दे सकता है। औरत के साथ वह पेटी है, उसमें डाल सकता है। औरत का टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर भी यह देश किस तरह से चले, कैसे चले, इसकी नीतियां कैसी हों, सरकार के मैनिफेस्टो में जन्मदिन क्या है, भाजपा के चुनाव के घोषणा पत्र में जन्मदिन क्या क्या चीज़ शामिल हो, ये सभी चीज़ें उस टोल फ्री नंबर पर भी सुझाव दिया जा सकता है और उस पेटिका में भी अपना सुझाव लिख के डाला जा सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री जी के सामने जाएगा और उसी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति बनाएगी, अपनी घोषणा पत्र को जारी करेगी। यह देश का पहला जन्मदिन इतिहास है और देश नहीं दुनिया का जन्मदिन ये पहला इतिहास है जब किसी राजनीतिक पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मुद्दों को शामिल करने के लिए इस देश के आम आदमी की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया। एनडीए सरकार की 5 साल की उपलब्धि जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी नेतृत्व ने प्रत्येक जिले में, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में रथ का व्यवस्था सुनिश्चित किया है। इसके माध्यम से सरकार की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य है, क्योंकि एनडीए सरकार ने जो काम किया है जनता तक उस बात को पहुंचाना आवश्यक है। आयुष्मान योजना हो, सौभाग्य योजना हो, उजाला योजना हो या किसानों का सम्मान योजना हो, तो इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज रथ रवाना किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सेना तय करे कहाँ लड़ना है, कैसे लड़ना है और कब लड़ना है। सेना अपने काम, अपने मुहिम में यह कुशील है, वक्त आने दीजिए। जिस तरह 40 हमारे जवानों शहीद हुए हैं, पाकिस्तान को 4 टुकड़ा में बांटने का काम भारत करेगा।